रैली निकालते हुए मतदाताओं को किया जागरूक। विधानसभा चुनाव को लेकर नगर परिषद धौलपुर द्वारा शतरंगी सप्ताह के अंतर्गत सर्विस वोटर व सरकारी कर्मचारी का समावेशी वॉकथॉन कर्तव्य पथ पर राष्ट्र में थीम पर रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सर्विस वोटर को संबोधित करते हुए एसडीएम बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि हमें भयमुक्त होकर बिना किसी लोभ लालच के अपने मत का प्रयोग करना है। स्वीप प्रभारी सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि सभी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान का समय सुबह शाम एक एक घंटे बढ़ा दिया गया है, जिससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही वोटर कार्ड न होने के बावजूद भी निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य 12 दस्तावेजों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पोलिंग बूथ पर शत प्रतिशत मतदान कराएं और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर एडीएम धौलपुर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर नगर परिषद से रवाना किया, जो हरदेव नगर, जगंतराहा, सराय गजरा, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, हनुमंतराहा, सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां अतिथियों द्वारा सभी को मतदान के लिए शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर स्वीप समन्वयक भूपेश गर्ग, राजस्व अधिकारी कुलदीप सिंह, स्वीप प्रभारी नगर परिषद मोहित शर्मा, राकेश राणा, नसीम खान, प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। रैली का पीतांबरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्विनी श्रीवास्तव, रामकुमार दुबे, कमलजीत सिंह, राजकुमार शर्मा, एडवोकेट राज बहादुर सिसोदिया, लोकेंद्र सिंह, मुकेश सक्सेना, संजीव गुप्ता, राजेश पाठक, मोहित अग्रवाल, दाऊदयाल सिंगल, लालू भगेल आदि ने पुष्प वर्षा व माला पहनाकर स्वागत किया। रैली में नगर परिषद की महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई।